हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ सेटिंग को यूज़ कर सकते हो, ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन में कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो या पेयर करना चाहते हो अपने फ़ोन से, आप कैसे कर सकते हो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन में फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लो। और फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों ब्लूटूथ सेटिंग को यूज़ करने के लिए पहले आप जाओगे मोर कनेक्शन वाली सेटिंग में, और इसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप एरोप्लेन मोड को भी ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आप ब्लूटूथ सेटिंग और O2G सेटिंग को भी दोस्तों यहाँ पर आप ऑन करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ब्लूटूथ मेरा पहले से ऑन है तो मैं इसको एक बार ऑन ऑफ कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी डिवाइस होगा यहाँ पर आपको नाम शो हो जाएगा, देख सकते हो। और जैसे दोस्तों आपको जो डिवाइस नेम है अगर यहाँ पे शो हो जाएगा आपको उसी पे क्लिक करके उसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं अपने डिवाइस पे क्लिक करके मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा पेयर का, आपको पेयर पे क्लिक कर देना। दोस्तों आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा, पेयर हो जाएगा आपके फ़ोन से। आप इजिली अब इसको यूज़ करके और कनेक्ट करके या पेयर करके यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ। दोस्तों राइट साइड क्लिक करके अगर आप इसको फॉरगेट कर दोगे आपके फ़ोन से फॉरगेट हो जाएगा। फॉरगेट होने का दोस्तों आप इसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा से यूज़ करने के लिए आपको पेयर पे दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा, वरना आप ये डिवाइस को वापस से यूज़ नहीं कर सकते। आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे थे, स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन जो भी है, तो दोस्तों आप दोबारा से नहीं कर सकते अगर आप फॉरगेट कर देते हो तो। दोस्तों इस तरीके से आप ब्लूटूथ सेटिंग को यूज़ कर सकते हो अपने डिवाइस में। आपको जो डिवाइस दोस्तों यहाँ पर शो हो जाएगा आपको उस वाले डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आकर आपको पेयर का ऑप्शन मिलेगा, पेयर पे क्लिक करो आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो आप अपने ब्लूटूथ डिवाइस नेम को चेक कर सकते हो। यहाँ पर रीनेम करना चाहते हो दोस्तों यहाँ पर आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ब्लूटूथ सेटिंग कर देंगे ऑफ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आ जाते हो OTG सेटिंग। दोस्तों जब आप कोई पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हो, अगर आपकी पेन ड्राइव शो नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे OTG को ऑन करने के बाद आप पेन ड्राइव यूज़ करोगे तो आपकी पेन ड्राइव शो हो जाएगी, फिर आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है, मोबाइल नेटवर्क सेटिंग या ब्लूटूथ नेटवर्क सेटिंग है या वाईफाई नेटवर्क प्रॉब्लम है, दोस्तों आप अपने फ़ोन की सिस्टम सेटिंग में जाके एक बार सेटिंग को यहाँ से रीसेट कर लेना, या फिर आप अपने फ़ोन को एक बार पावर ऑन और ऑफ भी करके एक बार चेक कर सकते हो आपके जो नेटवर्क इशू प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर सॉल्व हो जाती है रीसेट करने के बाद। तो दोस्तों मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक नमस्कार। आई होप दोस्तों आप समझ चुके हो ब्लूटूथ सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। दोस्तों कोई डाउट कोई प्रॉब्लम ब्लूटूथ सेटिंग को लेके आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं स्टूडेंट में, बाय। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाय।